इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में लोकसभा और पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर सरगर्मियां जारी है, लिहाजा येडियुरप्पा हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ की इमदाद मराठी की तरक्की के लिए मंजूर करना भी गोया मुसीबत ही साबित होती जा रही है। कुछ मराठियों की जानिब से इसे सियासी मुफाद हासिल करने के लिए लालच बताया जा रहा है, वहीं कन्नड़ तंजीमों की जानिब से येडियुरप्पा हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। मराठियों से हमदर्दी अब येडियुरप्पा हुकूमत का सरदर्द बनता दिखाई दे रही। बेलगाम शहर को लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक का तनाजा काफी पुराना है। पिछले 60 सालों से भी ज़ायद अरसा गुजरा, वक्त के साथ साथ मराठियों की इस तहरीक भी काफ़ी हद तक धीमी ज़रूर हुई है, पर एक बार फिर नौजवानों में महाराष्ट्र में जाने की चाहत को बरकरार रखने की कोशिश भी जारी है। एमएस के नौजवान का ही शुभम शेड़के ने मराठी और मराठियों के मद्देनज़र दिए बयान को लेकर रुकन असेंबली अनिल बेनके पर सख्त अल्फाजों में तंज भी किया है। उन्होंने कहा कि मराठी माशरे को लेकर पिछले 65 सालों से तहरीक चलाई जा रही है, कईयों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लिहाजा इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने वाले इससे पहले भी सफ़े हस्ती से खत्म हुई है। शुभम शेड़के ने यह भी कहा कि मुहिब्बाने मराठियों की बददुआएं लेकर अनिल बेनके कामयाब नहीं हो सकते। एमईएस की तहरीक मराठी जबान को लेकर है, लिहाजा बेलगाम और अतराफ में हिंदुत्व की घिनौनी सियासत की जा रही है, ऐसा भी कहा गया। दूसरी तरफ मराठियों की तरक्की के लिए येडियुरप्पा हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ इमदाद को लेकर कन्नड़ तंजीमों ने भी एतराज जताते हुए भाजपा की जानिब से मुबारकबाद के बड़े इश्तहारात को कालिख पोती है। अनगोल में इस वारदात के बाद कुछ देर तक तनाव का माहौल रहा। रियासत की जानिब से 13 नवंबर को मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में आया। भले येडियुरप्पा हुकूमत ने सियासी मुफाद हासिल करने के लिए यह फैसला लिया हो, क्योंकि बेलगाम और अतराफ में मराठी बोलने वालों की तादाद काफ़ी है, पर कन्नड़ तंजीमों को यह फैसला नागवार गुजरा है। दिसंबर 5 तारीख को रियासत बंद का ऐलान भी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से दिया गया है। बेलगाम शहर में मराठी कन्नड़ तशद्दुद में इजाफा होता नजर आ रहा है, लिहाजा बढ़ती मुखालिफत के मद्देनज़र कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं, फिर भी कन्नड़ तंजीमों की नाराज़गी कम नहीं हुई है। मराठी तख्तियों को भी काली पोंतने की वारदातों में इजाफा होने की बात कही जा रही है, इस पर पुलिस की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा भी इल्जाम एमईएस की जानिब से लगाया जा रहा है। कर्नाटक रक्षण वेदी के शिवराम गौड़ा गिरोह ने हर हाल में 5 दिसंबर को कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया। सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए मराठा तरक्की तंजीम का कयाम येडियुरप्पा हुकूमत की जानिब से लिया गया। बीदर बेलगाम में मराठी वोटर्स है, लिहाजा बीदर बसो कल्याण और बेलगाम में लोकसभा इंतखाबात होने इसलिए यह फैसला लिया गया। जब तक मराठी तरक्कियाती इदारे को मंजूर किए 50 करोड़ रुपए वापिस नहीं लिए जाते या तो रद्द नहीं किए जाते, एहतजाज जारी रहेगा। कर्नाटक बंद को कन्नड़ फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यमंत्री चंद्रो और सा राघविन ने भी हिमायत का ऐलान किया। क्या येडियुरप्पा हुकूमत और बेलगाम के मराठी कई जो भाजपा की हिमायत में है, इनके लिए मराठा विकास प्राधिकरण मुसीबत बनती जा रही है, इतना जरूर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।